अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, मज़े में हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो ईद का व्लॉग है, ईद का पहला दिन। तो इसीलिए एक और बात का बहुत शुक्रिया कि आपने चांद रात के व्लॉग भी बहुत पसंद किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। तो ईद की सुबह है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सुबह है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है और बहुत प्यारी हवा चल रही है। जैसे कि थोड़े दिन पहले हमें लग रहा था और वेदर नेटवर्क भी यही कह रहा था कि बहुत बारिश होनी है ईद वाले दिन, हम लोग सोचे थे यार ईद पे इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा मौसम कर दिया, बारिश भी नहीं हुई और हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। खैर, मॉर्निंग हो गई है, सब लोग बस ईद की जो है ना तैयारी शुरू कर देंगे और नमाज के लिए सबसे पहले नमाज की तैयारी हो रही है। सब मर्द हजरा जो थे वो डेफिनेटली सब पहले ईद के लिए नमाज़ पढ़ने जाएंगे, और बहुत देर के बाद, अरसे बाद, 2 साल के बाद हम लोग जो मिलके जो है ना नमाज अदा करेंगे। और मस्जिदें माशाल्लाह माशाल्लाह खुल गई हैं, 3-4 टाइम यहाँ पर 3 दफ़ा नमाज हो रही है, 4 दफ़ा हो रही है, क्योंकि ताकि कोई लोग रह ना जाएँ। बस हम लोगों ने भी जो है ना 10:30 वाली जो है ना नमाज़ जो है वो अदा करेंगे, लेकिन घर से सब लोग जो है ना 10 बजे चले जाएंगे। यहाँ पर मैं साथ साथ आपको अपने कपड़े भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ईद का जोड़ा मैंने अपना निकाला है आपको दिखाने के लिए। ये क्रिंकल शिफॉन का रेड कलर का, प्योर रेड कलर का सूट है, और ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, अभी जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं ये बनवा के लाई थी। ईद का दिन है सो बहुत सारे काम होते हैं, सो मैंने अपना बहुत सूट जो है ना फैंसी रखा है और लाइट रखा है, मतलब कि शाइन भी काफ़ी ज़्यादा उसमें आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई तिले वाला का काम वाला सूट मैंने नहीं निकाला, वो निकाला जिसको मैं पहन के इजी रहूँ, कैरी करना मुझे आसान रहे, ताकि घर के काम भी साथ साथ होते रहें। तो ये वाला सूट मुझे मैंने खुद स्टिच करवाया था, और इसके साथ ये वाले जो मैंने इयररिंग्स पहने हैं ये मैंने यहाँ से कनाडा से ही लिए हैं, और ये मैंने जो बहुत पसंद आ गए थे। ये वाले कड़े जो मैंने लिए हैं ये मैंने पाकिस्तान से लिए थे और मैं फ़र्स्ट टाइम पहनूंगी, बहुत ही प्यारा। ये आने से 1-2 दिन पहले बस मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, उसमें ये कड़े थे। और इसका जो शलवार है इसके साथ रॉसिल की शलवार है, और जो दुपट्टा है वो भी क्रिंकल शिफॉन का है, और इसके कॉर्नर जो है मैंने जो है उसको मैंने स्टोन वाली पीको करवाई थी। तो बस हेयर ओवरऑल ये कोई ब्रांड का सूट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अभी मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, मैंने खुद सिलवाया था। मुझे ज़्यादा ये होता है कि ये सूट जो था हमें हमारे जो मेरे देवर की शादी हुई थी तो हमें लड़की वालों की तरफ से ये सूट मिला था, तो मैंने वो सिलवाया अपने लिए, तो आज भी ये मैं पहनूंगी। और इस वक्त सब जो हैं ये जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा वेदर है, आप आसमान का रंग देखें, जिससे कि फीलिंग आ रही है कि कोई स्पेशल दिन है, कोई अल्लाह ताला ने खास करम किया ईद वाले दिन। यहाँ पे सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले सुबह उठ के ही मैंने जो पकौड़ियाँ थी ये मैंने पानी में सोख करके रख दी थी, अब मैं इनको सबसे पहले मैंने दही में डाला है, और बाकी सारा सैलड जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी, प्याज और आलू और थोड़ा सा क्यूकम्बर रेडिश, इस के जो सारा सैलड जो कि मैं डालना चाहती हूँ मैं डाल लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज और आलू जो है ना वो चॉप करके, आलू बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि मैं क्या चाह रही थी कि थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधा घंटा तो फ्रिज में जाएँ, ठंडी हो, मज़ेदार सी हो, क्योंकि हमारा क्या प्लान था कि हम चाह रहे थे कि जो लंच है ना वो हम जब नमाज पढ़ के आए तो उस वक्त कर लें, क्योंकि जब तक सब ने ईद मिल के माशाल्लाह घर वापस आना है 12 तो बज ही जाने हैं, तो हम लोगों ने नाश्ता जो अपना था वो स्किप कर दिया था, और लंच हम लोगों ने कहा था हम 12 बजे कर लेंगे, वही हमारा नाश्ता हो जाएगा, वही हमारा लंच हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि हम थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर बाहर भी जाएंगे। सो यहाँ पे नियाग्रा फॉल के पास ही हमारा फिरने का इरादा था। माशाल्लाह नियाग्रा फॉल ऐसी जगह है कि ये
टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आके एंजॉय करते हैं, और माशाल्लाह अब तो काफ़ी कुछ खुल भी गया है। तो आज हमारा प्लान था कि थोड़ा सा बच्चों को बाइट फिरा के लेके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे दही भले रेडी हो गए थे, मैंने फ्रिज में रखे, और दूसरा सबसे बड़ा मेरा जो काम था वो बारबेक्यू चिकन करना था, चिकन को बारबेक्यू सॉरी करना था। तो यहाँ पर मैंने ओवन जो अपना स्टोव है इसको मैंने क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन जब मैं बारबेक्यू करने के लिए हमेशा जब इसको यूज़ करती हूँ तो एक दफ़ा इसको दोबारा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पड़ा पड़ा आपको पता है थोड़ा सा आपको होता है फीलिंग आती है यार डस्ट पड़ गया होगा। लेकिन इसको मैंने क्लीन किया, अब मैं सारा चिकन जो है ना एक दफ़ा सारा अच्छे से पूरे बारबेक्यू स्टोव पे लगा दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्टी चिकन रेडी हुआ था, और क्योंकि इसको तकरीबन घंटा चाहिए, लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ, सो इस 1 घंटे के लिए इसका तो कम से कम टाइम चाहिए आपको। सो इसीलिए मैंने सबसे पहले चिकन रखा ताकि जब तक सारे भाई और हबी वगैरह नमाज़ पढ़ के आएंगे तब तक खाना रेडी होना चाहिए, चिकन इसीलिए मैंने पहले लगा दिया था। तो सारे काम प्लानिंग के साथ साथ अगर करें तो आप माशाल्लाह से फिर सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। बच्चे उठ गए हुए थे माशाल्लाह, वो भी अपना अपना तैयार होने का कर रहे थे कि जी, लेकिन मैंने कहा था पहले आप लोग खाना खा लो उसके बाद आप लोग आराम से तैयार हो जाना, अभी अगर कपड़े वगैरह सब अपने निकालनी है और बस ईद की तैयारी, सब ईद की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बस तैयार हैं कि बस अब हम घर आए सब तो हम उनको ईद मुबारक कहें। और चनी डाल दी दादू ये ले जो खाओ मैं देता हूँ। भाभी छाबी में क्या खा रहे हैं बच्चे? अरे वो चिकन बारबेक्यू चिकन। ओके आप निहारी खा रहे हो? निहारी दही भल्ले। फिर आपने नहीं लिया बेटा? हाँ निहारी मैं भी खा पी लूँगी। ओके जी माँ लंच टाइम है। तो जी जनाब खाना माशाल्लाह माशाल्लाह सबने खा लिया है, और छोटे छोटे क्लिप थे जो मैंने कि आपके साथ शेयर किए हैं। और यहाँ पे आयशा का ये ड्रेस है, बहुत ही प्यारा आयशा का ये ड्रेस था, रॉयल ब्लू कलर का, और इसके साथ जामावार की शलवार थी, और उसका दुपट्टा माशाल्लाह से ब्लू कलर का था, बहुत ही स्टाइलिश और ज़बरदस्त उसको लग रहा था। तो इसके साथ जो ज्वेलरी इन्होंने वेयर किया ये आयशा और तहीरा की जो अपना उनका ऑनलाइन बिजनेस है ज्वेलरी का, उन्होंने अपनी ही ज्वेलरी पहनी थी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो यहाँ पर अब बन रही है चाय, चाय का जो काम था वो लास्ट काम था, उसके बाद मैं हो जाऊंगी तैयार। चाय दरअसल मैंने बनाई थी, और यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद मैंने और भाभी ने अपनी चाय बस बनाई 2 कप, क्योंकि बाकी सबको हम सर्व कर चुके थे, और इसका था हमारा कि पहले किचन को क्लीन कर लें ताकि बर्तन सारे डिश वॉशर में डालने के बाद फिर हम लोग तैयार हो गए चाय पी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स ले रही थी डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्टर लगाकर, और क्योंकि फ़िल्टर के साथ जो है ना ज़्यादा और मैं ट्राई कर रही थी कि और ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आ जाएँ जो कि मैं आपसे शेयर करूँ। इसके बाद हम लोग सब तैयार हो गए थे और बाहर चले गए थे। आप जैसा कि इस वक्त देख रहे हैं दोपहर के बाद का टाइम है, तकरीबन 3:30 बज गए थे, और इस वक्त रेन जो है ना स्टार्ट हो गई थी, बहुत प्यारा वेदर था। इसके बाद हम लोग एक लेक के पास गए हैं, वो के आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ पर। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, वाओ। Wow.
स्टार्ट किया था। बड़ा सॉलिड बेटा बना हुआ है। हाँ गिर ही नहीं सकता, पानी से कुछ निकला है। मजा आ रहे हैं एंजॉय ना, मजा आता लग कुछ ऐसी बस फिरने पे और व्यूज देखे एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरती देखिए, खूबसूरती देखे तो भी खुशी होती। मान एंजॉय कार देखी सिंपल है, कार बनाई है अंदर बड़ा वाइड वाइड जगह है। सारे घर इस तरह के बिल्डिंग देखे आप उसने बनाई कैसी हुई है वो बनाए बैठने का बार सीटिंग का सीटिंग का यो देन ड्रीम होम्स बड़ा की ड्राइंग रूम है बोल बुलाई यार डाइनिंग रूम है और टेबल लगी डाइनिंग टेबल। जब हम लोग निकले थे तो उस वक्त बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर ज़्यादा इतना बाहर वॉक वगैरह नहीं की है। तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के ही यहाँ पर पहले तो हम उतरे एक आइलैंड के पास, वहाँ पर बहुत ही प्यारी लेक थी जो कि मैंने आपको दिखाई और वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स उतारी। इसके बाद हम लोग गाड़ी में ही बैठ के हम लोगों ने नियाग्रा में कुछ स्ट्रीट ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, तो वो हम लोग देख रहे थे जो कि मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा शेयर किए हैं और कुछ मैंने छोड़ भी दिए हैं। मैंने कहा आपके बोर ना लग पड़े। खैर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो फिर बाहर वॉक करने का मतलब नहीं बनता था और हमने सोचा कि नियाग्रा फॉल फिर हम अब अनदर डे आ जाए। नियाग्रा फॉल के कुछ प्यारे प्यारे व्यू मैंने आपसे शेयर किए हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और ये मैंने उन लोगों के लिए शेयर किया है जो कि मुझे कहते हैं कि जब आप बाहर जाया करें तो कुछ लंबी वीडियो बनाया करें, और नियाग्रा फॉल तो ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप अगर हर महीने भी आ जाओ तो आपको वही फीलिंग्स आएगी, बिल्कुल भी बोर नहीं होते। और यहाँ पे अब हम घर आ चुके हैं। जब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ, शाम का टाइम है और सब बच्चों को चाहिए था पिज़्ज़ा पार्टी करना चाह रहे थे, तो लेकिन मेरे छोटे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो कह रहे थे कि भाभी आप चने बनाएं, और ये चने वो हैं जो कि हम लोग समोसों के साथ पाकिस्तान में खाते थे, तो ये वो मैं तैयार कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने फ्रेश समोसा भी जो थे वो भाई लाए हुए हैं माशाल्लाह से, और उन्होंने कहा था कि आपने चने ज़रूर बना के, तो मुझे डेफिनेटली मिस कर रहे हैं ना पाकिस्तान के चने और
चटनी वगैरह, तो हम लोगों ने सोचा कि घर में चने बना लेते हैं। तो यहाँ मैं ये चने तैयार कर रही हूँ, बॉयल चने करके मैंने पहले ही रखे हुए थे, क्योंकि ये हमारा पहले से प्लान था कि हम लोग मिलके समोसे इंजॉय करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर हाल में। सम पीपल ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का भी शुक्र अदा नहीं करते, और बड़ी बड़ी चीज़ों का तो फिर दूर की बात है। तो अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और छोटी से छोटी खुशियों को मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। और आपको पता है अपनी फैमिली से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर मैंने चने तैयार कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर इसको खूब इंजॉय किया। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, ईद का फुल डे जो जो हमने किया मैंने आपके साथ जितना पॉसिबल था शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और हम सबको भी अपने ज़ुमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक ही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।